अतः अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमने डिवाइड किया हुआ है तीन कैटेगरीज में, ठीक है। उसमें हमने पहले पढ़ना है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमें प्रोटोजोन्स में नजर आता है, ठीक है। आप लोगों ने इनवर्टिब्रेट में पढ़ा है कि प्रोटोजोआ कैसे होते हैं। कुछ प्रोटोजोआ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना फूड खुद बना लेते हैं, ठीक है, जैसे क्लाइमडोमोनास हो गया, ठीक है। और कुछ जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो सेफ्रोजोइक होते हैं, ठीक है, यानी कि वो डेड पार्टिकल्स को और वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और कुछ जो है प्रोटोजोन कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक का मतलब है जो फूड को इंजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारे आपके टेस्ट में शामिल की गई है प्रोटोजोन की एज ए हेटरोट्रॉफिक एग्जाम्पल, वो क्या है, जो के सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है। यानी कि सिलिएटेड प्रोटोजोन जो है वो ट्रू एग्जाम्पल शो करते हैं कि कैसे वो हेटरोट्रॉफ हैं, यानी कि फूड को इंजेस्ट करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। अब हम उसको देखते हैं, यहाँ पे एक सिंपल जो प्रोटोजोन है, सिलिएटेड प्रोटोजोन, उसकी डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। ये ऐसे ही सब के अंदर होता है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में, ठीक है। तो अब ये देखें कि इसमें क्या है कि इसके जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स तो नहीं कह सकते, जो पार्ट है सेल के, वो हम कहते हैं कि एक जो है ना फर्स्ट जो है ना, ये मेम्ब्रेन के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद बकल कैविटी है, और बकल कैविटी के बाद जो है साइटोसोम है, ठीक है। ठीक है, अब ये पूरा जो है ना सीलिएटेड है, ठीक है। मैंने जरा फॉर द सिंप्लिसिटी डायग्राम ऐसे बनाई है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जरा सीलिया नहीं बनाए, लेकिन ये पूरा हिस्सा जो है ना ये, और आउटसाइड से ना ये सीलिया से फिल होता है, ठीक है। अब इन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, वो किसमें, इक्वेटिक एनवायरनमेंट में, ठीक है। और सीलिया की बीटिंग की वजह से क्या होता है, जो इक्वेटिक एनवायरनमेंट में फूड पार्टिकल्स हैं वो इस बीटिंग की वजह से क्या होता है, पहले बकल कैविटी में आ जाते हैं, फिर बकल कैविटी और ये सारा हिस्सा भी है सीलिएटेड होता है, और इसकी बीटिंग की वजह से आगे किधर में चले जाते हैं, साइटोसोम में, ठीक है। अगला जो इसका ऑर्गन जो पार्ट है, ऑर्गन तो नहीं कह सकते, पार्ट जो है वो साइटोफेरिंग्स है, ठीक है। ठीक है, तो अगला जो पार्ट है ना वो साइटोफेरिंग्स है, ठीक है। जब फूड मूव करता है बकल कैविटी से उसके बाद साइटोसोम में, और जब वो जाता है साइटोफेरिंग्स में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे साइटोफेरिंग्स है, लेकिन जैसे ही फूड उस तक पहुंचता है, फेरिंग्स आपको पता है ना पतली सी चीज होती है, लेकिन जब फूड पार्टिकल पहुंचता है तो वो क्या हो जाती है, वो एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जैसे फूड एंटर होती है, और क्या बना देती है, एक फूड वैक्यूल बना देती है, ठीक है। यही जो साइटोफेरिंग्स है वो फूड वैक्यूल बना देती है, यहाँ पे क्योंकि नजर नहीं आ रही, क्योंकि फूड का हमने पाथ दिखाया है, तो जैसे ही इसे साइटोसोम से इधर फूड गया, तो ये जो साइटोफेरिंग्स है ये एनलार्ज होके क्या बन गई, एक फूड पार्टिकल बन गया, और उसके बाद जो है ना फूड पार्टिकल पिंच ऑफ हो जाता है, यानी कि उसके बाद उससे अलहदा हो जाता है। जब वो अलहदा हो जाता है तो फिर वो उसी तरह अपनी कंडीशन में आ जाती है, जैसे फायरिंग्स होती है लंबी सी चीज, ठीक है, इस तरह ट्यूब की शक्ल में। अब ये देखेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, यहाँ तक डाइजेस्टिव ट्रैक जाके स्टॉप हो गया है, ठीक है, आगे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि जो फूड वैक्यूल की सूरत में फूड वैक्यूल अब बन जाता है, जो डिटैच हो जाता है, ठीक है, अब वो मूव करता है साइटोप्लाज्म में फ्रीली, ठीक है। इसके मूवमेंट के दौरान क्या करता है, क्योंकि जाहिर है ये इक्वेटिक एनवायरनमेंट थी, इससे जब फूड के साथ जो है वाटर भी इसके अंदर गया है, ठीक है, अब वाटर जो है, जो एक्सेस ज्यादा वाटर है, तो वो जो है ना, इसको मैं जो एरो दिखाए हुए, इसका मतलब है कि वो रिमूव हो रहा है साइटोप्लाज्म में जा रहा है, ठीक है, एंटर हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और खुद क्या होता है, कंसेंट्रेटेड हो गया है, जब कंसेंट्रेटेड हो जाता है और इसकी पीएच क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जब लाइजोसोम जो है, ये मैंने दिखाया हुआ है ऐसे लाइजोसोम बना के, ठीक है, आपकी डायग्राम है, आपकी बुक में नहीं बनाया हुआ, लेकिन फूड वैक्यूल के अलावा लाइजोसोम होते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेशन के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये जो लाइजोसोम है इस फूड वैक्यूल के साथ मर्ज हो जाता है, जब वो इसके साथ मर्ज हो जाता है तो एक वैक्यूल बन जाता है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिंग वैक्यूल, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना अब क्या होता था, एल्कलाइन हो जाती है इसकी, यानी कि पीएच जो है वो एल्कलाइन हो जाती है, एल्कलाइन पीएच में जो है वो डाइजेशन होती है कम्प्लीटली, और जब डाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद जो है इसी तरह जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि यूजेबल हैं, वो जो है उसके अंदर फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, और बाकी जो रह जाता है जिसको हम रेजिड्यूल, ये रेजिड्यूल वैक्यूल है, इसके अंदर अब ऐसे मटेरियल है जो वेस्ट मटेरियल है, जो कि
एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, जो अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल वो रेजिड्यूल वैक्यूल में रह जाता है, और जब वो रेजिड्यूल वैक्यूल जिधर आकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और एग्जोसाइटोसिस के थ्री अपने वेस्ट पार्टिकल्स को निकाल देता है, ठीक है। तो इसको जो है जब वो आके अटैच होता है तो यहाँ पर हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, साइटोपाइज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, साइटोसोम से मिलता जुलता साइटोपाइज है, ठीक है, जो ऑपोजिट टू द साइटोसोम होता है और यहाँ से जो है वो सेल जो है अपने मटेरियल को आउटसाइड एक्सक्रीट आउट कर देता है, ठीक है। साइटोपाइज का मतलब है एनएस के तौर पे, क्योंकि ये एनएस के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। किसी भी जगह से अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो आगे वेस्ट प्रोडक्ट जब अटैच होंगे और उससे फूड बाहर निकलेगा तो उसको हम कहेंगे कि ये साइटोपाइज बन गया, ये इसकी बकल कैविटी की वजह से एक उन्होंने वर्ड बना दिया एनएस, लेकिन ये कोई खास हिस्सा नहीं होता, ठीक है। पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं पे भी जाके अगर अटैच होगा और उसे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये थ्रू साइटोपाइज जो है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकली, ये लिखे साइटोपाइज मींस एनएस।